जी हाँ, आप भी फिनलैंड मूव कर सकते हो अगर आपके पास कोई हाई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, इवन कि 60 साल का आदमी भी जा सकता है, और इवन कि आपके पास कोई फंड सेविंग में नहीं है, और इवन कि आपकी इंग्लिश टेस्ट भी आपको देना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, 95,000 लेबर वर्कर को मात्र 10,000 पे फिनलैंड वीज़ा मिल जाएगा और वह विद इन 2 to 3 weeks फिनलैंड मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, जो कि पार्ट ऑफ शेंगेन कंट्री है और जिसकी आबादी है 55.4 लाख, और यहाँ पर लैंग्वेज मेनली इंग्लिश बोली जाती है, और इवन यहाँ पर जो नोट है वो यूरो है, जो इंडिया के हिसाब से नियरली रफली 88 रुपीज़ के बराबर है। जो इसके पड़ोसी देश हैं वो रशिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी गोइंग कंट्री है और यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ही लेस है। तो गाइस, आप लोग भी जा सकते हैं इस कंट्री फिनलैंड में। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी विद दिल से स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे 95,000 फिनलैंड फ्री वर्क वीजा निकल रहा है, जो मात्र 10,000 में जो घर बैठे आपको देंगे। जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कवर, व्हाई वी नीड टू मूव टू फिनलैंड, फर्स्ट टॉपिक, जॉब्स डिमांड इन स्वीडन, सैलरी इन स्वीडन, टैक्सेस एंड एक्सपेंसिव इन स्वीडन, क्राइम रेशियो एंड पुलिस इन स्वीडन, हाउ टू गेट ए वर्क वीजा इन स्वीडन, वीजा कॉस्ट, वीजा प्रोसेस टाइम, जॉब्स इन फिनलैंड एंड डेमो फॉर ए फिनलैंड, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन डेमो, एंड बैड न्यूज़ फॉर यू, एक बहुत ही बुरी खबर है आप लोगों के लिए जो लोग 2023 से मूव होना चाहते हैं, और आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। जी हाँ, जैसा मैंने बताया है कि स्वीडन बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, पार्ट ऑफ शेंगेन कंट्री है। यहाँ पर आपको मूव होने का कारण यही है कि ये पार्ट ऑफ यूरोप है। अगर आपने यहाँ पर 1-2 साल काम कर लिया, आप जर्मनी, नीदरलैंड और इवन कि यूके बहुत साथ पड़ता है, आयरलैंड, वहाँ पर मूव हो जाओगे विदाउट एनी एजेंट। और यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो 2 से 3 लाख है, और आपको खुद देखना चाहिए जो फिनलैंड में सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी है, और इवन की किचन हेल्पर को भी सैलरी 2 से 3 लाख पर मंथ मिलती है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेशर की है। पर डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक डिटेल पर, जॉब डिमांड इन स्वीडन। सबसे पहले कौन सी जॉब्स की डिमांड है, जॉब्स डिमांड की सबसे डिमांड यहां पर किसकी है, वो है यहां पर एग्रीकल्चर की, और यहां पर डिमांड है फ्रूट पिकर की, रसबरी पिकर की, यहां पर कंस्ट्रक्शन हेल्पर की डिमांड है, क्लीनर की, हाउसकीपिंग की, बस ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर की डिमांड है, केयर होम की डिमांड है, वेयर हाउस की डिमांड है, पैकेजिंग की डिमांड है, नर्सिस, आईटी, कंस्ट्रक्शंस जो लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर सुपरमार्केट, इन सब की बहुत डिमांड है। पर इसके लिए आपको टॉप का सीवी कवर लेटर चाहिए, जो गूगल में बहुत मिलता है, और आपका गैरी सर के जो प्राइस है, पापा का बर्थडे आ रहा है 10th February को, तो गैरी सर अगेन प्राइस अपनी 3,000 कर देंगे। सीवी कवर लेटर दोनों बनाकर आपके भी आप अप्लाई भी कर दिया जाएगा, तो 3,000 है। यूपीआई आईडी दिखाई जाए स्क्रीन पर, आप पे कर सकते हैं। तो गाइज, इन सब की बहुत डिमांड है, और जो इनकी एवरेज सैलरी की बात करें तो सैलरी मैंने बताया कि आपको यहाँ सैलरी 2 से 3 लाख मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनर, और डिपेंड करते हैं आप एक्सपीरियंस कितना है, और ये चलती रहती है 3 लाख। जैसे मान लो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसकी जेब में यहाँ पर सैलरी 3 से 4 लाख आती है। और यहाँ पर जो टैक्स एंड एक्सपेंसिव सिस्टम है, जो टैक्स है यहाँ पर 20% है, पर कुछ टैक्स पेमेंट टैक्स फ्री होती है। जैसे यूके में टैक्स फ्री पेमेंट है 12 लाख के लेकर 50 लाख के बीच में आप 20% टैक्स पे करते हैं यूके में, और 50 लाख से लेकर ऊपर आप पे करते हैं 40 to 45% टैक्स एग्जैक्टली इन फिनलैंड। अगर आपकी सैलरी एवरेज सैलरी मीडियम में, आप 20% टैक्स पे करो, नहीं तो आप 30% टैक्स पे करोगे यहाँ पर। अब बात करते हैं, लोग बताते हैं एक्सपेंसिव देखो, रहने का जो खर्चा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, तो एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर जो एवरेज हाउस रेंट है दोस्तों, जो आपको लीज पर मिलता है, वो 300 यूरो होता है। अगर आप अकेले, अगर आप लड़के से शेयर करते हो, वो 150 यूरो है। बताना वीडियो कमेंट में, क्या मुझे यहाँ पर जाना चाहिए फिनलैंड में, और यहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या, और लोग इंटरव्यू जैसे मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से, पर थैंक्स वेरी मच ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपने मेरी सीरीज को सक्सेसफुल कर दिया है। तो जो बात एक्सपेंसिव हो गया, जो रूम रेंट है वो 150 यूरो का होता है फिनलैंड में। इसके अलावा जो पानी का भी, इलेक्ट्रिसिटी गैस होता है, वो 50 यूरो लगा लीजिए, फ़ोन का भी लगा लीजिए 20 यूरो, और लगा लीजिए ट्रांसपोर्ट 30 यूरो। तो कहीं ना कहीं आप 350 यूरो में या 400 यूरो में आपका जो खर्चा है वो 40,000 रुपये खर्चा है। टैक्स टूक्स पे कर आप 40,000 और पे करते, और 2,20,000 आपकी पॉकेट में आता है। 3 लाख आपकी सैलरी है, 40,000 आपका रहना, बिल और ट्रैवल का खर्चा है, और 40,000 एवरेज आप टैक्स पे करते, 2,20,000 एक गरीब माँ का बेटा अपनी जेब में डालता है। गाइस, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अपना खुद का फैसला विदेशों में चाहता हूँ, और लाइक एक बिल्कुल फ्री है। और गाइस, अभी आपको बताऊंगा अभी अपनी जॉब कैसे अप्लाई करनी और कौन से डॉक्यूमेंट वर्क वीजा चाहिए, तो वीडियो को स्किप गलती से भी मत करना। क्राइम रेशियो एंड पुलिस यहाँ की बहुत फ्रेंडली है, जैसे बोला कि ईजी गोइंग कंट्री है, यूरोप की कंट्री, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, और जो क्राइम रेट है यहाँ पर बहुत ही कम है। अगर आप मूव होना चाहते हो,
यहाँ पर कोई रंग भेदभाव नहीं है, ये सबसे बेस्ट कंट्री है यूरोप में जहाँ पर मूव हो सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, बिकॉज अगर आपको वर्क वीज़ा मिल गया तो आपको वाइफ और बच्चों को साथ में लेकर जाना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं फिनलैंड वर्क वीज़ा पर। फिनलैंड वर्क वीज़ा लेने के लिए आपको किसी भी कंट्री में लेने के, मैंने हर बार बोला है, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। स्पॉन्सरशिप मतलब आपको जॉब ऑफर का स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी साइट दिखाई जा रही है फिनलैंड की, यहाँ पर रजिस्टर होना है और अपने सपना पूरा करने के लिए आपको डेली 50 जॉब अप्लाई करनी है। सीवेट मैं बना दूंगा जिसकी कॉस्ट 3000 चल रही है, आपको पे करना है, नो डिस्कशंस, इंस्टाग्राम स्टोरी पर जाइए, पे कीजिए, आपको कॉल विद इन 24 आवर आ जाएगी। यहाँ पर फ्रॉड बिल्कुल भी 0% है। तो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, जब वो आपको जॉब ऑफर दे देंगे उनको प्रूव करना पड़ेगा फिनलैंड में कि उनको आपके अलावा कोई आदि फिनलैंड नहीं मिला है, तो वो आपको वर्क पर भेज देंगे और आपको अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेकर जैसे पासपोर्ट, फोटोग्राफ, ट्रैवल इंश्योरेंस, अपना अकोमोडेशन और अपने जो यहाँ पर आधार कार्ड और क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको फिनलैंड दिल्ली एम्बेसी जाना है और फिंगरप्रिंट्स लेकर आपको वहाँ पर जाना है। चलिए स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पर उस तरह बता दूँ आपको वीज़ा कॉस्ट है वो नियरली 134 यूरो, जो रफली में 10,000 से 12,000 रुपीज़ के बीच में आती है। जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो 2 to 4 weeks है, मतलब 2 से 4 वीक में आप फिनलैंड पहुंचोगे जब आपको जॉब ऑफर फिनलैंड से आ जाएगी। बहुत सारे जॉब ऑफर स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, तो चलिए स्क्रीन पर जाकर देखते हैं आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पर गाइस आपने वीडियो को दिल खोल कर लाइक कर अपनी फ्री एंट्री मेरे कहने पर आपने जरूर डालनी है जहां पर हम से यूके ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों पहली कंपनी का नाम है कॉम्पास ग्रुप, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। अगर आपको फिनलैंड में जाना है तो ये बेस्ट है, इसमें सीवी कार्ड आप खुद बना सकते हो, लोड ही करना है, काफ़ी टफ नहीं है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, कुक है, रेस्टोरेंट वर्क, क्लीनर है, ऑफिसर है, सर्विस मैनेजर है, कोल्ड वेटर, सर्विस मैनेजर, लॉबी वर्कर, डिश कीपर, शिफ्ट शेफ, शिफ्ट रेस्टोरेंट मैनेजर। तो ये मेनली जॉब है रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए। तो गाइज ऐसे आप जाओगे इनके नीचे ऐसे डिफरेंट दी जॉब दी हुई, कुक है, वर्कर है, कुक है, सर्विस है, क्लीनर है। तो चलिए मानते हैं क्लीनर की जॉब पर हमने ऐसे क्लिक किया, एक पर क्लिक, बाकी का मेथड सेम ही है। आप ऐसे क्लिक करोगे आपको एक और नई विंडो खुल जाए क्लीनर के लिए। ये यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्लीनर का काम करना है और आप यहाँ पर 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करोगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको फिल करना है आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, एड्रेस, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है, नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है। बट आपने ट्रैक रिकॉर्ड में क्या करना है, आपका सीवी ऊपर और कवर लेटर नीचे, आई एम इंटरेस्टेड इन सिम अदर्स, यहाँ पर आपने टिक जरूर करना है और आई कैन कन्फर्म आई रीड और ये अप्लाई कर देंगे। दोस्तों प्लीज़ ऐसा कीजिए सपने पूरा, कि फिनलैंड में बहुत सारा काम निकला पड़ा है और मैं ही नहीं, यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स भी कह रहे हैं कि फिनलैंड लेबर की शॉर्टेज। ऐसे आपने कुक का, ऐसे डिश कीपर का लड़का तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, अब अप्लाई क्यों नहीं करते, इन सब के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। और इसमें क्या करना है, आपको क्लीन करना है डिश वॉशिस को क्लीन करना है और आपको बर्तन साफ कर आपको बस दिन में वहाँ पर जाना है, 8 घंटे काम करना है। सेम प्रोसेस, सेम सीवी चलेगा यहाँ पर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वही फ़ोन नंबर, एड्रेस और सीवी को कवर पेस्ट कीजिए और ये कीजिए, लैंग्वेज कौन सी इंग्लिश आती है और कस्टमर भी कौन कौन सी डिश आती है, ये सारी स्किल को आपने टिक करना है और थोड़ा सा बताना है कि आपको क्यों डिश वॉशर काम अच्छा लगता है। बाकी अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको कॉपी पेस्ट मान लो, मैं आपको सीवी टॉप का बना दूंगा। तो आपने कवर लेटर को, सीवी को अटैच करना है, कवर लेटर को भी अटैच करना है और सेंड एप्लीकेशन कर देना है। तो ये है एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बात करनी फ्री में तो आपको इंस्टाग्राम की गैरी बैक पर देगी, वहाँ पर आप फ्री में बात कर सकते हैं। एक और वेबसाइट नाम करियर जेट है, जहाँ पर फिनलैंड जॉब निकली पड़ी है, बेरी फार्म वर्कर्स की 9 यूरो से चल शुरू होती है, एग्रीकल्चर वर्कर्स की और यहाँ पर निकली पड़ी है पेट सीटर की। तो चलिए क्लिक करते हैं एक एग्रीकल्चर वर्कर के ऊपर, देखते हैं क्या ये कहना चाहते हैं। 19 घंटे वाले ये कह रहे हैं कि इनके पास एग्रीकल्चर के काम है। अगर आप में से सीवी यूके का बनाया ना, फॉर्मर सीवी लोगों ने बनाया, तो मार्च में शुरू होता है ये सीज़न यहाँ पर काम करने का। तो गाइस इवन पोल्ट्री वर्कर में भी काम है। तो गाइस प्लीज़ अप्लाई कीजिए, यहाँ पर तो आपको वर्क वीज़ा टेम्प्ररी मिल जाएगा और ये आपको इंडिया पाकिस्तान से ले जाएगा। अगर अप्लाई ही नहीं करोगे तो कैसे बाहर जाओगे। तो जो इसकी डेडलाइन है वो 17 फरवरी आप देख सकते हैं। पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको स्किल नहीं चाहिए, ये एक तरह से फ्रेशर है जहाँ पर आप एग्रीकल्चर वर्क का काम कर सकते हो। ऐसे ही इन्होंने बनाया बेरी फार्म वर्कर जो कि 9 यूरो देख लीजिए और यहाँ पर 25 पीपल काम करते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के पैसे भी दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर काम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और यहाँ पर अगर हो सके तो आपको यहाँ पर खाने को भी ऑन शिफ्ट। पर अगेन आपको एक बार डिस्कस कंपनी के साथ करनी है। पर अगेन इसके अलावा मेरा एक और चैनल गैरी टीवी भी है, दोस्तों फॉलो देख लीजिए, ये वो चैनल यहाँ पर यूके ने 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा शुरू किया है। तो गाइस प्लीज़ गैरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका खुद का चैनल है। और मेरा एक और चैनल गैरी शॉर्ट भी है,
जब मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। जैसा कि स्क्रीन पर खुद देखा जाओ, लाइक कीजिए। बैड न्यूज़ ये है कि जो जो यूके का फ्री वर्क वीज़ा है उसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, जो 28 फरवरी कहा जा रहा है, पर सुनने में ये आ रहा है कि ये डिले होकर मार्च तक जा सकता है। तो जो बच्चे यूके आना चाहते हैं तो मेरे गेटिंग सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर यूके शुरू करेगा 2 साल का वर्क वीज़ा, जहाँ पर ना तो आपको इंग्लिश चाहिए और ना जॉब ऑफर चाहिए और ना ही आपको सीवी चाहिए, वो है यूथ बिल्टी वीज़ा जो इंडियन लोगों के लिए खुला है। पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एक ईमेल करनी है जो 48 आवर खुलेगी, पर वो टाइमिंग 48 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको चैनल गैरी टीवी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई विश यू वेरी गुड लक। जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।